नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो इसमें हम लोग अभी तक आपकी कक्षा छठवीं की जो हमारे लिए जरूरी है बुक्स, उनके बारे में बात कर चुके हैं। कक्षा सातवीं की भी और कक्षा आठवीं की जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। और कक्षा नौवीं में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कक्षा नौवीं की हम लोग एक बुक देख चुके हैं, उसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, ठीक। आज से हम शुरू करने वाले हैं समकालीन भारत फर्स्ट। ये आपकी कक्षा नौवीं की दूसरी बुक है, सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत फर्स्ट, कक्षा नौवीं के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। याद रखिए, जो भी आप खरीदेंगे या डाउनलोड करेंगे तो उसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहेगा समकालीन भारत फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं इसमें आखिर पढ़ना हमें क्या क्या है, यानी कि विषय सूची देख लेते हैं। एक बात हमेशा याद आप लोग रखिए, जो इस गलत फहमी में जी रहे हैं वो अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल लें कि बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ उखड़ जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं उखड़ने वाला है, ठीक है। अगर आप सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस, हो सकता है स्टेट पीसीएस आप निकाल दें, लेकिन सिविल सर्विस बिना एनसीईआरटी के नहीं निकलेगा। इसलिए बेहतर है कि अभी से पढ़ लें, ठीक है, टाइम रहते हुए। और वैसे भी अगर आप, मुझे तो लगता है आप भारत में रह रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी सबको पढ़ना चाहिए, सबको इनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं भारत का संविधान है भाग तीन में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनिवार्य शर्तों, कुछ अपवादों, युक्तियुक्त निर्वर्धन के अधीन द्वारा विदत्त मूल अधिकार है। मूल अधिकार देख लेते हैं, क्या हमारे मूल अधिकार है। उसके बाद हम लोग इस किताब में क्या पढ़ना है हमें विषय वस्तु देख लेंगे, ठीक है। समता का अधिकार, विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर, लोक नियोजन के विषय में अस्पष्टता और उपाधियों का अंत, जो आपका समता का अधिकार है, ए आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक शामिल है, ठीक है। फिर स्वतंत्र अधिकार में आपका 19, 20, 21 और 22, इसमें आपका अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वित्ती का स्वातंत्र, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, निरोध से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका आर्टिकल 23 और 24 है, इससे संबंधित मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का पीती से, परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का पीती से, फिर आपका आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आपका आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता, राजनीति से पूर्णतः पोषित शिक्षा और संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। एक बात आप लोगों को बता दें, जस्ट जो हम लोगों ने कक्षा नौवीं की पहली बुक देखी है अभी कुछ ही टाइम पहले, इसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, इसमें सब कुछ बताया गया है। अगर आपको लगता है कि आपको विस्तार से जानने की इच्छा है, रुचि है आपकी मैं कि विस्तार से सब कुछ अधिकार जाने, तो उस किताब को आप लोग पढ़ लें जो हम लोगों ने जस्ट पिछले लेक्चरों में बात की है उसके बारे में, ठीक है, वहां जाकर देख लें। पर आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों की को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषय हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापना और प्रशासन,
उनतीस तीस में है, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्देशों या फिर आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को विवर्तित कराने का उच्च, यानी कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं इसके, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी जो भी एनसीईआरटी है कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की जो आपके लिए जरूरी है, उन सभी के लेक्चर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। वो आपकी प्लेलिस्ट सूची है एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से, ठीक है। उसी में सब लेक्चर पड़े हुए हैं चैप्टर बाई चैप्टर आपके। भारत का संविधान उद्देशिका, जो आपका भारत का संविधान पूरा उद्देशिका के आसपास ही घूमता फिरता है, मतलब उद्देशिका में ही समाहित है पूरा मेन उद्देश्य उसका, ठीक है। इसीलिए उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार और अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित कर दें। इसका मतलब पता है आपको, कुछ प्रावधान तो आपके 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को, कब 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से आपका संविधान लागू हुआ, ठीक है। ये आपकी विषय वस्तु देख लीजिए, इस पुस्तक में क्या क्या पढ़ना है। अध्याय एक में आप पढ़ेंगे भारत, इसकी आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप। तीसरे अध्याय में बात करेंगे अपवाय। अध्याय 4 में बात करेंगे जलवायु के बारे में। अध्याय 5 में बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में। और अध्याय 6 में बात करेंगे जनसंख्या के बारे में, ठीक है। अध्याय पहला क्या होगा हमारा, भारत, इसकी आकार देखेंगे और स्थिति देखेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप भी देखेंगे, अपवाद देखेंगे, जलवायु देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी भी देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे भारत की, ठीक है। इस बुक्स में हम लोग देखिए, हम लोगों ने भारत अपने मूल अधिकार भी देख लिए, ठीक है। अब अपने मौलिक कर्तव्य भी देख लीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई हमारे ऊपर 10 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक, तो हमारा हक बनता है कि 2 रुपये हम भी उसके ऊपर खर्च करें, यानी कि कोई हमारे ऊपर भरोसा कर रहा है तो ये हमारा कर्तव्य है कि उसका भरोसा बनाए रखें, तोड़े नहीं। तो इसका मतलब यही हुआ कि मौलिक कर्तव्य हुए आपके ऊपर निर्भर आपका कर्तव्य, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भाग 4 1, भाग 4 का में नागरिकों के मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में सम्मिलित है। मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा और प्रदेश या फिर वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन हो गया, आपकी झील, नदी, वन्य जीव, इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, तो प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाली अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह है आपकी मौलिक कर्तव्य। देखिए, आप सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। मैंने क्या बोला है, हमेशा मेरा मानना रहा है पर्सनल, कि अगर आप अपने मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों से परिचित हो गए तो देश की, हमारे देश की 80 से 85% समस्याएं खत्म हो सकती हैं। क्योंकि हम क्या कहते हैं, जब भी हम हिंसा करते हैं तो सबसे पहले सरकारी संपत्ति को जलाने लगते हैं। ये गलत है भाई, नहीं है गलत। अगर कहीं भी आपने देखा होगा कि आप अपने अधिकारों के लिए कहीं लड़ने लगते हैं कि हमारा ये अधिकार है, अपना मौलिक कर्तव्य भूल जाते हैं। ठीक, तो इन दोनों को इसीलिए मैं बोलता हूँ मैं सर, कि आपको मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार जानना चाहिए बहुत अच्छे से हो। तो चलिए, थी आपका एक विषय वस्तु कि हम इस बुक में पढ़ेंगे क्या। फर्स्ट चैप्टर इसमें बात करेंगे हम लोग भारत आकार और स्थिति के बारे में। इसके नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की समकालीन भारत फर्स्ट के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे कि हमें आखिर क्या क्या पढ़ना है इस बुक्स में। तो इसमें पहला चैप्टर है हमारा भारत, इसका आकार देखेंगे भारत का और इसकी स्थिति देखेंगे। बड़े धैर्य के साथ बने रहिए, बड़े अच्छे से सुनिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा भी कोई भी शब्द नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की। कृषि उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम लोग बात करते हैं स्थिति की, भारत की भौगोलिक स्थिति की। तो सबसे पहले आप लोग विश्व का मैप देख लीजिए। ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप, ये आपका एशिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपके महाद्वीप हैं। ठीक है, इनके अंदर आपके देश होंगे। जैसे एशिया महाद्वीप के अंदर आपका रूस हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, इस तरह की और भी देश हैं इसमें। ठीक है, ये आपका प्रशांत महासागर लगा हुआ है, ये आपका हिंद महासागर, ये आपका अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर, और ये नीचे अंटार्कटिका है। ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा है 0° अक्षांश। इससे जो ऊपर का हिस्सा है इसे उत्तरी गोलार्ध कह देते हैं और जो नीचे का हिस्सा है इसे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये आपकी देशांतर रेखा है 0°। तो ये आपका पश्चिमी हिस्सा है इस तरफ आपका पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, इसलिए ये बता रहा हूं कि अभी यहां आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां है, यहां उत्तरी गोलार्ध में। देखिए, भूमध्य रेखा से ऊपर ही है ना, 0° अक्षांश से, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8° 4 मिनट उत्तर से 37° 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है, यानी कि 8° 4 मिनट से लेकर 37° 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यहां आपका पूर्वी 68
डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। यहाँ आपका 67 68 डिग्री 7 मिनट से 97 25, यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, याद रखें। इसे इस तरह से याद रख सकते हैं आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको याद बना रहेगा। 84 से 376 और 687 से 97 25, ठीक है। करक रेखा, जैसा कि आपको पता होगा हमारे भारत से करक रेखा भी गुजरती है। क्या होता है? करक रेखा भी गुजरती है भारत के बीचों बीच से। करक रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार कर सकते हैं। यह आपको एक जानकारी और दे दी कि जो आपका मैप्स है उसकी एक बुक्स आती है एटलस की, लगभग पूरी कवर की हुई है हम लोगों ने बहुत ही साधारण शब्दों में मैप्स को देख देख कर, ठीक है। उससे बाहर आपका कहीं ना जाने वाला है, वर्ल्ड मैप्स का पूरा कवर किया हुआ है। फिर झीलें हो गई, देश हो गए, राजधानियां हो गई, उनके बारे में जो भी पॉइंट रहे हैं, मैप्स के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में पड़े हुए सब। आप जानते हैं कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण ये समुद्र में जलमग्न हो गया। अब बात करते हैं हम लोग आकार की। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि 2.4% है। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर, और जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर है। चीन जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर है, और रसिया यानी कि रूस क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, ठीक है। भारत सातवें स्थान पर। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। इसके दक्षिण के का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता है। इसके पश्चिम में अरब सागर, इसके पश्चिम में क्या है? अरब सागर। पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। क्या है? देखिए, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है पूर्व में, ये आपका पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है। ये आपका अंडमान निकोबार हो गया। चित्र 1.3 में देखिए, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी देख लीजिए जो आपकी करक रेखा है, ये है आपकी करक रेखा, ठीक है। यह आपकी यहां एक करक रेखा, तो यह आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से 8 राज्य हैं? 8 राज्य हैं आपके, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, 8 राज्य। एक सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि मैप्स रख कर इसके सभी राज्यों को क्रम से रट लेना है, याद कर लेना है जिस तरह से हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं घुमा के, तो आपको क्रम याद रहेगा तो आप क्वेश्चंस सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। और ये है आपकी मानक रेखा। कौन है? ये है आपकी मानक रेखा।
मानक रेखा जो आपकी है या आपकी पांच राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यही आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसी से हमारा समय निर्धारित होता है, इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है, ठीक है, आपने सुना हुआ। ये आपका यहाँ नेपाल हो गया, यहाँ आपका चीन हो गया ऊपर, ठीक है, ये आपका भूटान, ये आपका म्यांमार लगा हुआ है, ये बांग्लादेश है, और नीचे आपका श्रीलंका है, और यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ आपका अफगानिस्तान है, पीओके वाला हिस्सा आपका अफगानिस्तान से लगता है, ठीक। और इसकी अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व की पूरी लंबाई विस्तार की बात करें तो 2933 किलोमीटर इसकी पश्चिम से लेकर यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25, ठीक है। और अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण तक इसकी पूरी लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, यानी कि गुजरात और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है इनके बीच 2 घंटे का अंतर है समय का। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक या उत्तर मानक माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत तथा विश्व, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्ष वर्त फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में से भी पूर्वी तट के माध्यम से लगभग संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम आपके देश पर रखा गया, यानी कि हिंद महासागर, ठीक है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर की किलोमीटर कम हो गई, ठीक है। अब ये आपके क्या है, पिति विश्व के 7 बड़े देश हैं क्षेत्रफल के यानी कि भौगोलिक आधार पर। रूस पहले स्थान पर है, फिर आपका कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत आपका 7वें नंबर पर है, ठीक है, याद रखिए। पहले पर आपका रूस, जनसंख्या में पहले पर आपका चीन है, दूसरे पर आपका भारत है। कुछ ही दिनों बाद हम लोग पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे जनसंख्या के मामले में, क्योंकि उत्पादन हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो अभी एक जो रिपोर्ट आई हुई है नई, तो इसमें तो बताया जा रहा है कि 2030 के पहले पहले हम लोग चीन को पछाड़ देंगे। ये देख ही चुके हैं हम लोग मैप्स को अच्छी तरह से। आप लोग एक बार फिर से बोल रहा हूं कि सभी राज्यों को क्रम से याद रख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है जिनकी अपने राज्यों से सीमा लगती है भारत में, या उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, एमपी हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना। ये आपका भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग हो गया, देखिए कोलकाता, यहाँ से आपका ये जा रहा है श्रीलंका, बैंकॉक, थाईलैंड, ये दिल्ली, मुंबई, ये वायु मार्ग हो गए और ये आपके समुद्री मार्ग हो गए, ठीक है, मुंबई से। देख लीजिए आपका चीन है,
म्यांमार, ऊपर आपका रूस है। पता है आपको कुछ देश आपके ऐसे हैं कि जो यूरोप महाद्वीप में भी आते हैं और एशिया महाद्वीप में, जैसे कि आपका रूस हो गया, तुर्की हो गया। ठीक है, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रे से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत में आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे देश का यानी कि भारत का संबंध अन्य देशों से रहा हो। हमारा देश बहुत पुराना इस तरह के संबंध रखता था हड़प्पा काल से। समझ में आया, अंतरराष्ट्रीय संबंध रखने में हमारा देश बहुत आगे था प्राचीन काल से ही। मेसोपोटामिया की सभ्यता सुनी होगी, ईरान में हा? चाइना की होंगो, तो ये सभी उसी टाइप के पीरियड की सभ्यताएं थी। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्व एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़ों तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्यकला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों, गुम्बदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है, तो अंग्रेज यहाँ शासन करने के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं आए थे, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ जो मसाले उत्पादन होता था, इनकी बड़ी मांग थी। हमारे यहाँ जो सूती के कपड़े थे, इनकी बहुत मांग थी यूरोपीय देशों में, तो उसी उद्देश्य से आए हुए थे, व्यापारिक उद्देश्य से। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ व्यवस्था कुछ और ही है, तो वो लोग जम गए, यहीं रुक रुक के रह गए। चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ क्या थे, लेकिन अभी क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 को जो आपकी 370 अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, उसे खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब जो प्रावधान आपके अन्य राज्यों में लागू होते हैं, वही आपके जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं। तो इस तरह जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है, एक आपका लद्दाख, दूसरा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इस तरह से आपके 28 राज्य बनते हैं और केंद्र शासित प्रदेश आपके 9 हो जाते हैं। इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि क्या करिए, कि इसके लिए आप लोग करेंट अफेयर से जुड़ा रहिए। क्या होता है कि जब बदलते रहते हैं, कई बार क्या होता है, इस राज्य का बंटवारा हो गया, आपने देखा होगा 2014 में आपका आंध्र प्रदेश का बंटवारा करके तेलंगाना निकाल दिया गया, तो इस तरह की करंट में देखा करिए। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन यानी कि तिब्बत, नेपाल, भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ लगती है। इस तरह से आप यहाँ देखिए, ये आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ देखिए पीओके वाला हिस्सा लगता है, ये आपका चीन हो गया, नेपाल, ये आपका भूटान हो गया, ये हो गया आपका म्यांमार, ये आपका बांग्लादेश, नीचे आपका श्रीलंका। याद रखिए, सबसे कम सीमा लगती है आपकी अफगानिस्तान से और सबसे ज्यादा बांग्लादेश से। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ अपने राज्यों का क्रम,
ये जो जम्मू कश्मीर है इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यार। फिर उसके नीचे आइए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। इन्हें पूरी तरह से क्रम से याद रखिए, क्योंकि अभी देखिए आपसे पूछ लिया अगर कि नेपाल से किन किन राज्यों की सीमा लगती है, तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, आपका पश्चिम बंगाल की भी सीमा याद रखिए लगती है सिक्किम से, सॉरी नेपाल से, और सिक्किम की भी सीमा लगती है आपकी नेपाल से। ठीक है, कभी पूछ ले पाकिस्तान से किन किन राज्यों की, तो गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, और आपका ये हो गया क्या, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आपका राजस्थान हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये आपका बीच में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ दमन द्वीप। ठीक है, ये आपका गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। ये वही अरुणाचल प्रदेश है जहाँ चीन अपना कब्जा बताता रहता है। ये आपका पुदुचेरी हो गया, या नाम, या न्यू मोरी द्वीप भारत, जो भारत बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है, ये है आपका न्यू मोरी द्वीप, करिकाल पुदुचेरी, ये आपकी माही पुदुचेरी, लक्षद्वीप हो गया भारत में, ये आपका मालदीप हो गया, यहाँ अंडमान निकोबार। ठीक है, ये आपका अरब सागर हो गया। देखिए अब यहाँ आपको समझ में आ जाएगा करक रेखा, ये आपकी करक रेखा किस किस राज्य से गुजर रही है, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब आप ही सोचिए, अगर आपको पता ना हो कि मध्य प्रदेश कहाँ है, गुजरात कहाँ है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि किस किस राज्य से गुजर रही है, पर आपको क्रम याद होगा तो आप बता सकेंगे। ठीक है, इसलिए राज्यों को अच्छे से क्रम से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव, ये आपका मालदीव है, ये आपका श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ये आपका क्वेश्चन वन डे एग्जाम में हो या फिर कई बार प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता था, वन डे एग्जाम का तो बड़ा फेवरेट ही क्वेश्चन रहा है। क्या पूछता था, पाक जल जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो क्या करते थे जो नहीं पढ़ते थे उनमें से अधिकतर लड़के क्या लगाए जाते थे, पाकिस्तान, भारत, लेकिन ये किसे अलग करती है, भारत और श्रीलंका के बीच अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि देखो कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। आप जानते हैं स्कूल भुवन के एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NCERSC इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्र को देख सकते हैं। तो ये था आपका पहला चैप्टर, भारत और आकार और स्थिति। इसी चैप्टर से संबंधित आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, देख लेना है। जैसे कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो आपको पता होगा, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा, इनमें से किस में से नहीं गुजरती है, बताइए। राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, लेकिन इसमें आपका उड़ीसा से नहीं गुजरती, तो इसमें क्या होगा, उड़ीसा। ठीक है, इसी तरह भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, सबसे पूर्वी पूछ रहा है, तो पूर्वी आपका 97
डिग्री 25 मिनट पूर्व, ठीक है, देख लेना ये आप लोग। तो चलिए अगला अध्याय होगा हमारा भारत का भौतिक स्वरूप। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की समकालीन भारत के बारे में। तो इसमें हम लोग एक चैप्टर आपका खत्म कर चुके थे, भारत का आकार देख चुके थे और स्थिति देख चुके थे। आज बात करेंगे हम लोग चैप्टर 2 के बारे में, भारत का भौतिक स्वरूप। बने रहिए, अच्छे से ध्यान रखकर सुनिए, इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं रहेगा जो आपको ना समझ में आए, बस आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे आपका पर्वत हो गया, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह आदि। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षिप से बने हैं, प्रायद्वीपीय पठार अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। देखिए इस मानचित्र को, ये आपका पामीर ग्रंथि, कुनलून श्रेणी और हिंदू कुश, ठीक है, ये आपके सुलेमान शैली है। क्या है? सुलेमान शैली है पाकिस्तान में। यहाँ आपकी सिंधु घाट, सिंधु नदी हो गई, ये सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी, सतलज, ये आपका कच्छ का रण हो गया, ये आपकी चंबल नदी, यमुना नदी, गंगा नदी। गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं चंबल और यमुना, ये घाघरा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसे ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यानी कि चीन में क्या बोलते हैं? सांगपू नदी। यह आपकी मिजो श्रेणी है, मिजोरम के पास नागा श्रेणी हो गया, गारो खासी जयंतियां मेघालय में, नामचा वरवा पर्वत है, ठीक है, बुमला, कंचनजंगा, एवरेस्ट। क्या है? भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, ठीक है। और भारत की अगर बात करें तो K2, ठीक है, याद रखना। एवरेस्ट सबसे बड़ी पर्वत चोटी है। यह आपकी मानसोवर झील हो गई, यहाँ गुल्लाम धाता, कैलाश श्रेणी हो गई, बारालाचा, शिव किला, ये आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये आपकी हो गई जोजिला, नंगा पर्वत यही है, ये आपकी शिवालिक श्रेणी हो गई। इन्हें आप लोग क्रम से याद रखिए, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ठीक है। इस तरह से ये आपकी अन्नापूर्णा है, धौलागिरी है, मकालू, आपकी कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। तो याद रखना सबसे ऊंची विश्व में कौन सी है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ये आपकी नेपाल में है, ठीक है। कंचनजंगा आपकी सिक्किम में है, और K2 आपकी PUK वाले हिस्से में है। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर आपका भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह।
क्या है? द्वीप समूह, इस तरह से आप लोग ले सकते हैं। क्या है आपका? ये आपका कोरोमंडल तट हो गया, ये आपका मालाबार तट हो गया, गिर सैणी, सुलेमान सैणी देख ली थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये हिमालय हो गया, देखिए ये शिवालिक पहाड़ियां हैं। जैसे छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी सरकार, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, भारतीय महामरुस्थल, राजस्थान वाला क्षेत्र आपका क्या है? महामरुस्थल, ये आपका उत्तरी मैदान हो गया, देखिए ठीक है, छत्तीसगढ़, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, ये लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर, महेंद्रगिरी, ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग हिमालय के बारे में बात करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोध में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, यानी कि पश्चिम से जब पूर्व की तरफ जाती है तो इसकी चौड़ाई घटती जाती है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के कारण साथ हिमालय को तीन भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी भाग स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। कौन कौन से? हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं, देखिए आपका यहाँ सिंधु नदी से लेकर ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर हिमालय। इसमें आपका शिखर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, ये आपका नेपाल में है। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, याद रखना। कंचनजुंगा ये भारत में है, इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। मकालू ये आपकी नेपाल में है, 8481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में है, 8172 मीटर। नंगा पर्वत आपका भारत में है, 8126 मीटर इसकी ऊंचाई। अन्नपूर्णा नेपाल में है, 8078 मीटर है। नंदा देवी भारत में है, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई। कामेट ये भी आपका भारत में ही है, इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। नामचा बरुआ ये भी आपका भारत में है, 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुरुला मंधाता ये आपका नेपाल में है, 7728 मीटर। यानी कि जो भी सबसे ऊंची हमारी चोटियां हैं वो हमारी नेपाल और भारत में ही हैं, यानी कि हिमालय पर ही हैं। महान हिमालय के वले की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमालयों का प्रवाह होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असममित है एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल की कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई
10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं, जैसे आपका देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हिमालय पर्वत देख लीजिए, घूमने का तो पता नहीं, यहीं से देख लीजिए, पता नहीं घूमने के लिए पहुंच पाओगे या नहीं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो आपका हिमालय का भाग सतलुज और सिंधु के बीच है, नदी के बीच, उसे क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमालय हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊ हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? कुमाऊ हिमालय। काली नदी तथा तिस्ता नदी नेपाल हिमालय का, तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के पास। दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में पटकाई नागा मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। अब बात करते हैं उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों जिनमें आपकी सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा के नाम से बना है। यह जो मैदान है उत्तरी मैदान, यह आपका जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपात में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़कों का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 कितना 240 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यह आपका उत्तरी मैदान। ये तो आप भी जानते हैं कि जहां आपके लिए सभी सुविधाएं होंगी, इंसान वहीं तो बसेगा जहां पानी की व्यवस्था हो, उपजाऊ जमीन हो, जलवायु समकालीन हो, उसके मतलब रहने योग्य हो, तो इंसान वहीं सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजोली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जहां लोगों का निवास है। आगे चलते हैं हम लोग। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण का कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। इन धाराओं को क्या कहते हैं? वितरिकाएं। दुआब का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच का भाग दुआब कहलाता है। दुआब आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी।
इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज, पांच, आपका अर्थ है पानी। ठीक। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उप वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। उत्तरी भाग मैदान के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? पंजाब का मैदान। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान को बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलज हिमालय से निकलती। मैदान के इस भाग में द्वाबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। जो गंगा का मैदान है आपका, इसका विस्तार घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच है। या उत्तरी भारत के राज्यों जैसे हरियाणा हो गया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र के मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है आपके। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे क्या कहते हैं? भावर के नाम से जाना जाता है। भावर प्रदेश कहते हैं। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इसे तराई कहा जाता है, यानी कि तराई क्षेत्र। भावर को आप इस तरह से ले सकते हैं, आप लोग कई जगह देखा होगा आपने कि कभी कभी नदियां वहां विलुप्त हो जाती हैं, पत्थरों कंकड़ों के नीचे छुप जाती हैं, उसके आगे कई किलोमीटर दूर या कई दूरी छोड़कर, थोड़ा दूरी छोड़कर वहां उत्पन्न हो जाती हैं पुनः आगे। ठीक है। तो जहां उत्पन्न होती हैं उसे तराई कह सकते हैं आप लोग, और जहां ये विलुप्त होती हैं उसे भावर कहते हैं। यह वन प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, याद रखना। दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपरी स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को भांगर बंगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। किसके? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है, उसे उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल है आपकी सिंध, बैतवा तथा कैन जो आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरह बहती है। ऐसे नदियां आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाते हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में ये संकीर्ण है।
इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अविवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाया गया जाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व भी विस्तार है। ये सभी मध्य प्रदेश में है। महादेव कैमूर भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कछार पहाड़ी के नाम से भी इसे जानते हैं। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गारो खासी जयंतिया मेघालय में, ठीक है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर है, विसतत है और उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट भोर घाट और पाल घाट की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। एक बार हम लोग पढ़ लीजिए, इसके बाद हम लोग एक बार इसकी मैप में स्थिति देख लेंगे इन सब की, ठीक है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, जो आपका पश्चिमी घाट ये पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, ऊंचा है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नील नदी नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। पश्चिम में काट में परवर्ती वर्षा होती है, पश्चिमी घाट में परवर्ती वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आग दबा की टकरा कर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, जैसे पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर हैं, इस भाग की सबसे ऊंचे शिखर कौन कौन से हैं, अनाईमुड़ी 2695 मीटर, डोडा बेटा ये आपकी 2633 मीटर, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुड़ी है, याद रखना। ये क्वेश्चन भी कई बार आपका पूछ लेता है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवरार तथा जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित हैं। उड़ग मंडलम जिसे ऊंटी के नाम से जाना जाता है तथा कोड़ इकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कर देते हैं। देखेंगे अभी रोकिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन टैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल अग्नि हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तथा तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई। फिर आपका मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, राजस्थान वाला क्षेत्र। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल या बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। आपकी बरकान यानी कि अर्ध चंद्राकार बालू का टीला क्या कहलाता है, आपका बरकान। बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले
भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह को देख सकते हैं। देखिए भारतीय मरुस्थल देख लीजिए। फिर बात करते हैं तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के तीन भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण यानी कि मुंबई से गोवा तक, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान, दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल। उत्तरी मैदान में से उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ की बड़ी नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। या फिर तटीय मैदान, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। याद रखिए चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। ये आपकी भारत की सबसे खारे पानी की, बड़े खारे पानी की झील है। फिर बात करते हैं द्वीप समूह। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में दो द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? एक द्वीप है केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति हम लोगों ने देखी थी, फिर से देख लेंगे एक बार। ठीक है, इसी पॉइंट को हम लोग देख लें। पहले द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लाकाद्वीप, मिनिकाय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। 1973 के पहले ने क्या बोलते थे? लाकाद्वीप, मिनिकाय और एमीन द्वीप। यहाँ 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप एवं जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है आपका। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान और निकोबार द्वीप है। यहाँ द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहु तथा बिखरे हुए। यहाँ द्वीप बहुत समूह मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में से निकोबार कहते हैं। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निपज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप बृहस्पत वृत्त के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु बृहस्पतीय है तथा घने जंगलों से आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक है और विदेश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिज के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा ध्यान। अब एक बार हम लोग मैप्स को फिर से देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको एक अंदाजा बना रहेगा। देखिए ये है आपका अंडमान और निकोबार, ये समुद्री अंडमान है। ठीक है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये आपकी महेंद्रगिरी यहां
उत्तरी सरकार है ऐसी, इसे आपका कुरुमंडल तट कहते हैं, ये आपकी अनाई मुड़ी है देखिए, ठीक, नीलगिरी पहाड़ियां हैं, ये आपकी है पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है, ठीक। तो यहाँ मालाबार तट है, इसके बाद ये आपका कोंकण तट है, ये आपकी मरुस्थल है, यहाँ गुजरात के पास कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में थार मरुस्थल का, ठीक। ये आपका छोटा नागपुर का पठार हो गया, छत्तीसगढ़ दक्खन का पठार हो गया है, ये आपकी गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हो गई, ठीक है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, काराकुरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक, ये आपकी हिमालय हो गई, सिंधु नदी से लेकर यहाँ आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है, ठीक है। देख रहे होंगे आप लोग, पूर्व में ये चौड़ाई इसकी अधिक है, और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ती है इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, सिंधु, झेलम, रावी, सतलज नदी हो गई है, ये आपकी गंगा नदी है, ये आपकी मेन गंगा नदी है, इसमें कोसी नदी मिल गई, गंडक नदी, सोन नदी, घाघरा नदी, यमुना, चंबल, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, महानदी आपकी बंगाल की खाड़ी में हो गई, गोदावरी, केशव, कृष्णा नदी, लेकिन याद रखिए माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं, ये आपकी गुजरात के कच्छ यानी कि अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तीन नदी, नाम नाम कौन सा याद रखना है, माही नदी, तापी नदी और नर्मदा नदी, ये आपकी विंध्यसैनी हो गई, ये आपका मालवा का पठार हो गया, नर्मदा जो आपकी नदी है ये विंध्यसैनी और सतपुड़ा सैनी के बीच बहती है, देख रहे होंगे आप लोग। तो ये था भूरा आपका भारत का भौतिक स्वरूप, इससे संबंधित आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्ट देख लें, और इस पीडीएफ को आपका टेलीग्राम पर डाल दिया गया, वहां से डाउनलोड करके रख लें आप लोग, क्या रहेगा कि आपको कभी अगर टाइम मिलता है तो सुविधा रहेगा, पढ़ते रहें। चलिए, तो अगले तीसरे अध्याय में हम लोग बात करेंगे अब वाय के बारे में, अब वाय है। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की समकालीन भारत फर्स्ट के नाम से जो बुक से, इसके हम लोग अभी तक दो चैप्टर देख चुके थे, ये आपका तीसरा चैप्टर, तो इसमें बात करेंगे हम लोग अप वाह के बारे में, ठीक है, धैर्य के साथ सुनिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अप वाह शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है, भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या फिर समुद्र या फिर महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, इस तरह से आप ले सकते हैं। देखिए, और ये आपकी जल विभाजक रेखा हो गई, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की, किसकी, अमेजन नदी की। भारत में अपवाह तंत्र की बात करें हम लोग, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियां को दो मुख्य भागों वर्गों में विभाजित किया
किया गया। कौन कौन से हैं बर्फ? हिमालय की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां होती हैं, यानी कि बारह महीना ये प्रवाहित होती हैं। इनमें जल रहता है, इनमें से बर्फबार पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। यानी कि जो आपकी हिमालयों पर बर्फ जमी रहती है उससे पानी मिलता रहता है, पहले वर्षा से उसके बाद बर्फ से, ठीक है। तो इनमें 12 महीने पानी रहता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गोर्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपर ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया ये है, इस तरह से गोर्ज नदी आती है, याद रखिए गोर्ज करती है, अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्ग गोकुल जी तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत से अन्य निक्षेपण आहतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों की पहचान कर सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। देखिए ये आपका, मान लीजिए यहाँ से नदी निकल रही है ऊपरी भाग से, पर यहाँ ये मध्य भाग ये इस तरह से आकृति बनाती है, तो इसे विसर्ग कहते हैं। जब कोई नदी इस तरह से अपना रास्ता छोड़ देती है, वहां एक झील आकार की बन जाती है, ठीक है। जब क्या है कि तेज पानी होता है तो उबड़ खाबड़ चलती है नदी, और जब वो पानी स्लो हो जाता है, उसकी गति स्लो हो जाती है, तो कई जगह गड्ढे टाइप की नहीं छोड़ देती है, तो उसे कहते हैं गोकुल झील। और यहाँ मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है नदी। आपने सुना होगा सुंदरबन का डेल्टा, और जो आपकी पश्चिमी पश्चिम की तरफ नदियां बहती अरब सागर में, ये आपकी डेल्टा नहीं बनाती है, याद रखिए, ये एस्टुरी बनाती है। इसमें आपका नर्मदा उतरती है, ठीक है, गंगा आपकी डेल्टा बनाती है। बात करते हैं हिमालय की नदियों के बारे में। सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से, तिब्बत में कहाँ है, चीन में तिब्बत, याद रखना, मानसरोवर झील से निकलती है आपकी सिंधु नदी। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे आपकी जास्कर हो गई, नूबरा हो गई, सेवक हो गई, उंजा हो गई, इस नदी में मिलती हैं। यानी कि सिंधु नदी की ये सहायक नदियां हैं, ठीक है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। तो यानी कि सतलुज, ब्यास, रावी,
चेनाब तथा झेलम भी इसी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु डोंगरी की एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमालय तथा पंजाब, हिमाचल पंजाब तथा शेष भाग आपका पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है, लेकिन सबसे लंबी नदी नहीं है, याद रखना, विश्व में। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु जल समझौता। कई बार आपने सुना होगा कि भारत सिंधु जल समझौते को रद्द कर देगा, सिंधु नदी का पानी रोक देगा, बांध बना देगा। जब आपका उरी पे हमला हुआ था, जम्मू कश्मीर में उरी हमला, तब भी भारत ने इस तरह के शब्द बोले थे। तो आखिर है क्या, ऐसे भी हम लोग देख लेते हैं। सिंधु जल जल समझौता संधि के अनुच्छेदों, जो आपका सिंधु जल समझौता है, ये 1960 में हुआ था। इसके अनुसार भारत इस नदी पर क्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। अब बात करते हैं लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ आपकी इस प्रकार है, यमुना हो गई, घाघरा हो गई, गंडक, कोसी। यमुना जो नदी है आपकी, हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी, नेपाल हिमालय से निकलते हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल हो गई, बेतवा हो गई, सोन, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम और इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे कहाँ मिलती हैं। अभी मैप्स में हम लोग देखेंगे तो सबका पता चल जाएगा। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियां के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह नदी दो भागों में बट जाती है, भागीरथी हुगली जो इसकी एक तरीका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आपकी मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले क्या कहलाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र को जब विलीन हो जाती है एक में, दोनों एक दूसरे में, तो क्या कहलाती है, मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वो जल वाली यह बेहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर्स भी पाए जाते हैं। आपके गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर यानी कि 2500 किलोमीटर से अधिक है। क्या आप गंगा नदी के अपवाद तंत्र को पहचान सकते हैं? अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों का मैं कहें तो प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए नदियों में अनेक
बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। अब चलिए हम लोग मैप्स को देख लेते हैं थोड़ा। ये आपका पूरा मैप्स, तो जो सिंधु नदी है आपकी ये तिब्बत से निकलती है, ठीक, मानसरोवर झील से। देखिए आपकी जम्मू कश्मीर में जाती है, पहले यहाँ पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था राज, लेकिन अब आपको पता है इसे दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये लद्दाख से प्रवेश करते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान जाती है, देखिए जा रही ना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसमें आपकी झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ये सभी आपकी पाकिस्तान में मिल जाती हैं। इस तरह से ये जाती हुई आपकी अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है, अरब सागर में इसका खत्म हो जाती है मिलकर। अब हम बात करें गंगा नदी की, बात कर रहे थे, तो यह आपकी उत्तराखंड के पास से निकलती है। देखिए इसमें आपकी ये यमुना नदी हो गई, चंबल नदी हो गई, मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल, बेतवा हो गई, चंबल नदी पर आपके राणा प्रताप सागर बांध हो गया, गांधी सागर, सावन नमक झील आपकी राजस्थान में हो गई, ये आपका गोविंद सागर है, ब्यास नदी है, ठीक है, शारदा नदी हो गई, घाघरा नदी हो गई, गंडक नदी हो गई, कोसी नदी हो गई, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदी है, सोन नदी हो गई, यही आपका गोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत सागर भी है। और ये आ रही है आपकी, देखिए यहीं से तिब्बत से निकल रही है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसे चाइना में यानी कि तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो नदी, ठीक है। ये आपकी फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश होते हुए यहाँ दिहांग लोहित से मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बहते हुए बांग्लादेश में गंगा, और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, इस तरह से यहाँ सुंदर डेल्टा बनाती है आपकी, ठीक है। ये आपकी महानदी हो गई, यहाँ आपकी चिल्का झील उड़ीसा के पास, जो पैनगंगा नदी, गोदावरी नदी, याद रखिए नर्मदा और जो ताप्ती नदी है ये आपकी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और ये आपकी अरब सागर में गिरती हैं, खंबात की खाड़ी, ठीक है। ये आपकी कृष्णा नदी हो गई, तुंगभद्रा नदी हो गई, कृष्ण सागर झील है यहाँ, कावेरी नदी, वेम्बनाथ झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, नागार्जुन सागर, निजाम सागर, ये आपका अरब सागर हो गया, बंगाल का, ठीक, अंडमान होने को हुआ लक्षद्वीप, और ये आपका श्रीलंका जहां से फिर राम गए हुए थे, ठीक। चलते हैं आगे हम लोग, अब देखते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है, 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर के जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौच के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला, दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है, ये याद रखना, पूछ लेता है कई बार प्रीलिम्स में, तो आपको बता देना। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम है? प्रत्येक वर्ष क्या है, प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम बांग्लादेश में
बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अनेक अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र में नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। मंजुली द्वीप आपने सुना होगा। सुनाया गया कौन सा? मंजुली द्वीप। ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ है। एक इसकी ऊंचाई है 84 मीटर। ठीक, असम में है ये। आपका 352 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। अब हम लोग चलते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की तरफ। प्रायद्वीपीय नदियों में प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। ज्वार नद का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। हम लोगों ने देखा है, यानी कि पश्चिम की तरफ बहते हुए ये अरब सागर में मिल जाती हैं। बात करते हैं नर्मदा द्रोणी के बारे में। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट होता है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती हुई समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सरोवरों में यह नदी गहरे गाज से बहती है। जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। कई बार आप लोग देखने गए होंगे आप मुझसे। ठीक है, नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की योजना प्रारंभ की गई थी, याद रखें। फिर आपकी आती है तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां आपकी साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार हैं। उन राज्यों के नाम बताइए जहां ये नदियां बहती हैं। देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये है आपका भारत का मैप्स। यहां से जम्मू कश्मीर से लेकर आप यहां ये आपका तमिलनाडु हो गया इस तरफ। ठीक है, यहाँ आपका केरल हो गया। ठीक है, ये आपका ऊपर चलेंगे तो आंध्र प्रदेश हो गया यहाँ। ठीक है, यहाँ आपका चलेंगे आप कर्नाटक पहुंच जाएंगे ऊपर, यहाँ गोवा। ठीक है, इस जगह यहाँ आपका गोवा के बाद आपका महाराष्ट्र ऊपर लग जाता है, यहाँ आपका बीच में तेलंगाना, यहाँ आपका उड़ीसा। ठीक, जो चिल्का झील है, महानदी है, ये आपकी उड़ीसा में, और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी आपकी महाराष्ट्र के पास है। ठीक,
उसके बाद गोदावरी भी आपकी महाराष्ट्र में, पेनगंगा आपकी तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में कुछ हिस्सा, ताप्ती नदी देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, नर्मदा नदी है जो आपकी मध्य प्रदेश वो गुजरात में, और ताप्ती नदी है इसका क्या है प्रवाहतंत्र कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक, ये महानदी हो गई, गंगा नदी हो गई, या आपकी यहाँ है आपका अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत से चीन, चीन से आपकी नदी जो ब्रह्मपुत्र है वो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, इस प्रकार बढ़ती है। ठीक है, एक बार क्या करिए आप लोग की मैप्स को रट लीजिए, हर जो राज्य आपका उसे क्रम से याद रख लीजिए, जब आपसे पूछा जाता है कहीं खाली मैप्स में भी, तो आप अंदाजा लगा सकें कि ये राज्य यहाँ है, मध्य प्रदेश यहाँ है, महाराष्ट्र यहाँ है, उत्तर प्रदेश यहाँ है, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से लगती है, या सबसे ज्यादा किस राज्य की सीमा लगती है राज्यों से, तो इनसे क्या रहता है क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग गोदावरी द्रोणी की। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर, यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अववाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% से भाग, फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे आपकी पूर्णा हो गई, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा, पैनगंगा, इनमें से अंतिम तीन सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी नदी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया गया क्वेश्चंस, गोदावरी को क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, याद रखना दक्षिण गंगा, दक्षिण भारत की गंगा नहीं, दक्षिण गंगा, दक्षिण की भारत, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी को, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। महानदी दौड़ी, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाली में खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। याद रखिए नदियों में आप क्या याद रखना है, लंबाई बहुत से बहुत इनकी पूछ लेगा, या फिर ये कहाँ से निकलती हैं, कहाँ गिरती हैं, और फिर इसमें सहायक नदियां पूछ सकता है। ठीक है, और किन किन राज्यों में बहती है, इतने ही इसमें पॉइंट आपको याद रखने लायक होते हैं। अब चलते हैं हम लोग कावेरी नदी की। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। इसे भारत की दक्षिण भारत की नदी कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान करती है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरह तरफ बहती हैं, दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति हम लोग देख ही चुके हैं। पृथ्वी के धरातल पल का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है।
केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में। यानी कि यह कहने का मतलब एक है आपका सीधा सा, कि हमारी पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका हुआ है। आपने सुना होगा 29% केवल आपका जो पहाड़ है, मैदान है, इस तरह के, ठीक है, और 97% भाग पर जल है। लेकिन सॉरी 71% भाग पर जल है, लेकिन 71% जल में से 71% जल को भी आप लोग 100% मान लीजिए, तो 100% में से 97% आपका लवणीय जल है, यानी कि पीने योग्य उपयोग योग्य जल नहीं है। इसमें से केवल 3% ही जल स्वच्छ रूप में उपलब्ध है और जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं झीलों के बारे में बात करते हैं। कश्मीर घाटी तथा पिसे डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, वहां के नौकायन, तैराकी, अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटक स्थलों पर झील नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान की झीलों का क्या महत्व होता है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलें महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे आपकी कैस्पियन हो गई, मृत हो गई, या फिर अरब सागर, अरल सागर। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं, कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अभाव वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की दौड़ी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विस्तृत नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गोकुल झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार रोजिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है, जैसे आपकी चिल्का झील हो गई, पुलिकट झील हो गई, कोलेरू झील हो गई। अंतरदेशीय भागों अंतर आपकी लोकताल झील है, यानी कि लोकटल। अंतरदेशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं, उदाहरण के लिए राजस्थान की सामर झील, जो एक लवण जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं, ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में कहें हम लोग तो ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानियां मार्ग बन गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे आपका गोविंद गुरु गोविंद सागर, भाकटा नकल परियोजना। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती हैं तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान बनाती हैं, जलीय पारिस्थितिकी को संतुलित रखती हैं। झीलों को प्राकृतिक सुंदरता या सुंदरता व पर्यटन को बढ़ावा देती हैं, हमें मनोरंजन भी प्रदान करती हैं झीलें। अब बात करते हैं हम लोग नदियों का अर्थव्यवस्था पर में महत्व। नदियों का अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी में क्या महत्व? संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य
यही कारण है कि नदियों के तट से प्राचीन काल से आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की सूची तैयार कर सकते हैं जो नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, अब ये इलाहाबाद आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, पटना हो गया, कानपुर हो गया, बनारस हो गया। ठीक है, इस तरह से आप अपने क्या किया करिएगा कि जो प्रमुख शहर हैं उनके नाम रख लिया करिएगा, याद रख लिया करिएगा, क्योंकि पूछ लेता है कि इलाहाबाद किस नदी पर के किनारे बसा हुआ है, गंगा, कानपुर, इस तरह के शहर पूछ लेता है। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन और जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्वपूर्ण अधिक है। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के बारे में ही जान लेते हैं। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं। एनआरसीपी का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करने के गुणवत्ता में सुधार करना। अब बात करते हैं नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है, इसका आयतन घटता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए उद्योगीकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की है। क्या आपने कभी ऐसा कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषण जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें। अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल करते हुए नहीं बैठना, लेकिन आपने देखा होगा कि 2014 के पहले गंगा नदी के प्रदूषण की सुनते थे कि बहुत बड़े स्तर पर हुए, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, यानी कि एनडीए गवर्नमेंट आई, तो उसने गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे इस तरह के प्रोजेक्ट चलाए। उसके बाद आपने देखा होगा कानपुर से बड़े बड़े उद्योग, चमड़ा उद्योग हटवाए गए और सुनते हैं कि वो आगरा में स्थापित करवाए गए। तो इस तरह से आपके प्रोजेक्ट नमामि गंगे हो गया। इसी ये आपके क्वेश्चन है इसी अध्याय से संबंधित, ठीक है, यानी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और जो आपकी पीडीएफ थी वो आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड करके रख लीजिए। ठीक, और अच्छे से पढ़िए, इसमें कुछ भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो आप समझ ना सकें, क्योंकि आपको बेस बनाना है, अपना मजबूत करना है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अच्छे से इसे लगाते रहें, पढ़ते रहें। तो ये था आपका तीसरा चैप्टर। चौथे चैप्टर में हम बात करेंगे अगले चैप्टर में, यानी कि जलवायु के बारे में। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की समकालीन भारत के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो इसमें आपके तीन चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ये आपका चौथा चैप्टर है। इसमें बात करेंगे भारत की जलवायु के बारे में। याद रखिए, जो आपकी कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक की बुक्स हम लोगों ने देखी, वो एक बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई थी, बहुत ही नॉर्मल थी। आपने देखा होगा कि शब्द की परिभाषा बताने के लिए कितनी कहानी बताई जाती थी हमें। लेकिन कक्षा 9वीं से जो 12वीं तक की बुक्स हैं, ये हमारे लिए मेन बुक्स हैं, इसलिए इनमें आपको अच्छे से दिमाग लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जलवायु जानते हैं भारत की।
पिछले दो अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलातियों और अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक तीन मूल तत्वों में से दो तत्व यही हैं। कौन कौन से? स्थलाति और अफवाह। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व यानी कि हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म अथवा असुविधाजनक क्यों होता है, या फिर जून जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करने करके जान सकते हैं। इससे यानी कि इस अध्याय में हम लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि यानी कि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं का तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। क्या जलवायु किसे कहते हैं? एक विशाल क्षेत्र में लंबी समावधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का योग आपका जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे आपके तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक ही समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या फिर ठंडे, हवादार या फिर शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म या फिर शीत या फिर वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। विश्व को अनेक जलवायु के देशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मानसून शब्द की व्युत्पत्ति। तो याद रखिए, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति आपकी अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, आपका मानसून है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जिस तरह के अब पॉइंट आपको याद रखना है, फिर चाहे आप लोग नोट कर सकते हो। भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्यतः प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है, जबकि आपका जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 सेंटीमीटर रहता है। एक ही समय पर आपका राजस्थान में गर्मियों में 50 सेंटीमीटर तक तापमान पहुंच जाते हैं, वहीं आपका जम्मू कश्मीर में लगभग 20 सेंटीमीटर रहता है, या सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस, सेंटीमीटर कहाँ यहाँ यूज होगा, तो याद रखना सेल्सियस है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 सेंटीमीटर सॉरी सेल्सियस हो सकता है। सेंटीमीटर कहाँ से यूज हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि उसी रात या नीचे गिरकर 15 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल और अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप में, रूप तथा प्रकार में ही नहीं,
बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होती है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। क्या है? मेघालय में सबसे ज्यादा होती है, याद रखिए, और राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। जून में आपकी शुरू होती है, सितंबर तक होती रहती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या फिर ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती हैं। बात करते हैं जलवायु, जलवायु नियंत्रण में किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से? अक्षांश, तुंगता यानी कि ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण, यही आपकी जलवायु को नियंत्रित करते हैं। इन्हीं कारकों के कारण जलवायु बदलती रहती है। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। यानी कि जब आपका सूर्य ध्रुवों पर तिरछा होता है तो वहां तापमान कम होता है। वो विषुवत जो रेखा है आपकी, यहाँ सबसे अधिक होता है तापमान, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सूर्य की रोशनी बढ़ती, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक नहीं होता है विषुवत रेखा पर, याद रखिए, ठीक है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है, इसलिए पहाड़ियां गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है, जहां एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था यानी कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दी में बहुत अधिक ठंड होती है। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या फिर ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा में समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाले वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम हो, तो उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। यही कारण है कि राजस्थान में आपकी वर्षा कम होती है और मेघालय में अधिक होती है, क्योंकि आप ही सोचिए, जो वायु बादल आ रहे हैं उन्हें रोकने के लिए कुछ व्यवस्था ना हो तो कहां बादल उड़ के चले जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। और मेघालय में पहाड़ियों से क्या होता है, टकरा की वर्षा होने लगती है, ठीक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, हम अक्षांश, कारक रेखा वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ की रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। आपकी राज्य गुजरात से शुरू होती है, लास्ट में मिजोरम से निकल जाती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी कारक रेखा। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कारक रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा कहाँ भारत की स्थिति है, तो उन्हें देख लें, ठीक।
जो भी आपकी क्लासें होंगी वो सभी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डाली रहती है, ठीक है। कक्षा छठवीं से लेकर चैप्टर बाय चैप्टर जितनी हम लोग खत्म करते जाएंगे, 12th तक देखनी है हमें। देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। याद रखना, कर्क रेखा वृत्त के दक्षिण में जो क्षेत्र है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं होती हैं। दक्षिण में आपका स्थित क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और जो उत्तर में हो वो आपका उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में आपका ऊंचाई भी शामिल है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। फिर आपका वायुदाब और पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वायुदाब एवं धरातलीय पवन, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवन उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं और ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियालिस बल के कारण दाहिने ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं के बराबर होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। आइए इसे भी देखते हैं। पहले बात कर लेते हैं कोरियालिस बल आखिर क्या है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहते हैं? कोरियालिस बल। इस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र आद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है और क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्रों के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के कारण हमारे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये अपने उष्ण महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रभाव के प्रभाव में रहता है। इस प्रभाव का एक मुख्य घटक जेट धाराएं। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं। इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आवासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट द्वारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री
उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती है। यहाँ जेड धारा क्या होती है इसे भी देख लीजिए। एक सक्रिय पट्टी में स्थित जो मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी कि 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं, इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेड धाराओं को पहचाना गया है, उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जेड धाराएं हैं। बात करते हैं पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रवाह भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवाती मानसूनी महीने के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के भाग होते हैं एवं जेट के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा या सुना हुआ है? बस देख लीजिए एक बार। भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी महीने के दौरान मौसम की स्थिति धरातली पवन है या आपकी उष्ण पश्चिमी जेट पवन है। याद रखिए ये आपकी, देखिए ये आपकी विषुवत रेखा होगी, ठीक है, भारत के पास से ही गुजरती है। ये आपकी कर्क रेखा होगी जो देखिए भारत के बीचों बीच गुजर रही है, ठीक है। ये आपकी अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम ऊपर तिब्बत के पठार से गुजर रही है। धरातली पवने हो गई आपकी। ये भारतीय उपमहाद्वीप में जून महीने के दौरान मौसम की स्थिति देखिए, ये क्या है आपकी धरातली पवने, ये आपकी है यहाँ उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम और यहाँ आपकी ये जा रही है तिब्बत के ऊपर से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। चलते हैं आगे, भारत बात करते हैं भारतीय मानसून के बारे में। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ क्योंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा में पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। आप इस तरह से ले सकते हैं इसे, जिस तरह आपने देखा होगा साइकिल जब आंधी या तूफान चल रहा हो या हवा चल रहा हो तेज, तो उस समय आपने देखा होगा कि हवा की विपरीत जाने में बहुत परेशानी होती है और नहीं जा सकते हैं आप लोग अगर तेज हवाएं चल रही हैं। जिस तरह हवाएं चल रही हैं आपकी, उस तरह अगर आप लोग जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से चले जाएंगे। इसी तरह उस समय आपके विदेशियों की यानी कि व्यापारियों के जहाज जिस दिशा में ये मानसून पवनें चल रही होती थी उसी दिशा में वे लोग चले जाते थे। तो जब मानसूनी पवनें लौटती थी तो उस समय आपकी इनके जहाज होते थे जो वो वापसी आ जाते थे। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण, स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विविध प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग में निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जबकि उसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रयाग विश्व बृहद से
ब्रज से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसूनी ऋतु में मानसून गर्द के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर की पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपरी ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्द एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। आपका अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यहीं पर उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समांतर होता है, लेकिन सूर्य की आवासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपरी दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण पश्चिम दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष बरसों के बाद की वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण 131 डिग्री पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिण या फिर 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम अथवा विलंब से आने वाला मानसून एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है आपका। यह एक गर्म समुद्री जल धारा होती है एल नीनो, ठीक है, जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 से 2 या 5 वर्षों के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन के साथ संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को क्या कहते हैं, इंसो एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो के नाम दिया गया। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है कि बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है, उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। बात करते हैं हम लोग मानसून का आगमन एवं वापसी। भारत में व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून विस्फोट यानी कि फटना कहते हैं। इसे मानसून पूर्व बोछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बंट जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी। अभी हम लोग मानचित्र में इसको देखेंगे,
बेहतर आपको समझ में आ जाएगी। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के पहला सप्ताह में ये असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून अपने पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह से लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाते हैं। पर्याप्त की मानसून की वापसी। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिण भी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। देख लीजिए एक बार वर्षा को, मानसून का आगमन देख लीजिए। देखिए सबसे पहले आपका पश्चिमी तट पर आता है यहां, ठीक है। 5 जून को, 10 जून को आपका मुंबई की तरफ पहुंच रहा है, इस तरह से निकल जाता है। 15 जून को आपका गुजरात, 1 जुलाई फिर राजस्थान, इस तरह से आप देखिए कि श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर या राजस्थान तरफ 15 जुलाई तक पहुंच रहा है, 1 जुलाई 15 जुलाई तक, ठीक है। और सबसे पहले 1 जून को कहां आ रहा है, आपका पश्चिमी तट पर केरल के पास। और सबसे बाद में 15 जुलाई, और क्या होता है कि सबसे पहले इस तरफ से हटना प्रारंभ करता है और सबसे लास्ट यही खत्म होता है। तो सबसे ज्यादा वर्षा इसीलिए इसी क्षेत्र में होती है, पश्चिमी तट में। और इस तरफ हम लोग बंगाल की खाड़ी वाली शाखाओं की बात करें तो 5 जून को शुरू होता है। यहाँ आपका मेघालय, शिलांग, ये आपका 1 जून को इस तरह से निकल जाता है। चीन हो गया, ऊपर आपका तिब्बत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऋतुएं। मानसूनी जलवायु को विशेषता एक विशिष्ट मौसमी पितरूप होता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्म, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल भी होता है। शीत ऋतु यानी कि ठंड का मौसम, ग्रीष्म ऋतु आपका गर्म का। बात करते हैं शीत ऋतु के बारे में। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर जनवरी तक रहती है, यानी कि उत्तर भारत में आपकी ठंड कब से शुरू होती है, मध्य नवंबर से, और ये आपकी जनवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में
भारत की उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। आपने देखा होगा मकर संक्रांति के समय कितनी ठंड होती है, वही मौसम है शीत ऋतु का। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसतन तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, चेन्नई का याद रखिए, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 सेल्सियस से 15 सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारापात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। हिम पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। देश के ऊपरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम, पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया की ऊपर उत्पन्न होती तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पवनों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जैसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के पैरों में ना के बराबर परिवर्तन होता है। तो ये थी आपकी शीत ऋतु। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। सूर्य के उत्तर की ओर आवासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु रहती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के बठार का उच्च तापमान लगभग 38 सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण आपका तापमान कम होता है यहाँ प्रायद्वीपीय भारत में। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है आपका लू। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर रात शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर और हल्की वर्षा भी लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी आपकी होती है। इसके साथ ही प्राय हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी भी कहा जाता है।
ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में पर्याप्त पूर्वी मानसून वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। प्रायः इसे क्या कहते हैं? आम बरसात। याद रखना, ग्रीष्म ऋतु में अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी मानसून वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए आपका आम वर्षा कहा जाता है। वर्षा ऋतु या फिर मानसून का आगमन देखते हैं। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक व्यापारिक पवने दक्षिणी समुद्रों के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। चूंकि ये पवने गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवने तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलते हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवन पवने देश के शीर्ष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवन मुखी भागों में भारी वर्षा यानी कि लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिन राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। याद रखना, कहाँ? मासिन राम मेघालय में है आपका। यहाँ विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। औसत वर्षा गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह की अंतराल होती हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कहें, मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका उत्तर या फिर दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून की गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है, तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान एवं माल की हानि यानी कि भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी पर्याय अव्यवस्थित होता है, इसलिए कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों के लिए अव्यवस्थित कर देता है। अब यहाँ आप लोग समझिए मानसून का अंत। देखिए, मानसून का अंत, सबसे पहले मानसून कहाँ आ रहा था? यहाँ 1 जून के करीब आपका, ठीक है, और दक्षिणी भारत में। और सबसे बाद में कहाँ आ रहा था? उत्तरी भारत में 1 सितंबर, सॉरी जुलाई के पास, ठीक है, जुलाई में। और सबसे पहले खत्म कब हो रहा है? यहाँ देखिए आपका सितंबर में, सितंबर माह में आपका उत्तर भारत में आपका मानसून खत्म हो रहा है। और सबसे लास्ट में देखिए, जहां से शुरू हुआ था वहीं लास्ट में सबसे ज्यादा सबसे बाद में खत्म हो रहा है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपकी वर्षा होती है। समझ में आया? और याद रखिए, वर्षा होने का सबसे मुख्य कारण क्या है कि आपको पहले भी बता चुके हैं, राजस्थान में कोई वर्षा को रोकने वाला कारक नहीं है।
इसलिए हवाएं क्या होती हैं, जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो सीधी निकल जाती हैं, वर्षा नहीं करती आपकी। और यहाँ मेघालय में मासिनराम में सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होने का कारण है, यहाँ गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, तो पहाड़ों से टकरा कर आपकी वर्षा बादल रुक जाते हैं और वर्षा करते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं मानसून की वापसी पर, परिवर्तनीय मौसम के बारे में। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या फिर निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाता है इस समय तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगने लगता है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून अपने उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। इस समय स्थल अभी भी आर्द्र होते हैं। उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः कुहार की उमस के नाम से भी जानते हैं। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। क्या होता है, तापमान तेजी से गिरने लगता है। और नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत की ऊपरी ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरित चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। क्या होते हैं, विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट के अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। उड़ीसा की तरफ इस तरफ पूर्वी घाट तरफ आपका लौटते हुए मानसून से ही, यानी कि मानसून की जब वापसी होती है तभी वर्षा होती है इन क्षेत्रों में। ठीक, याद रखिए। मैम ने देख लीजिए, यहाँ आप लोग, ये आपकी मौसमी वर्षा है जून से सितंबर माह की। यहाँ नीला है, ये आपका 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले हैं। ये जहाँ ये क्षेत्र आपका, यहाँ देखिए 400 से ज्यादा सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ फिर आपकी 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। देखिए यहाँ भी आपकी 400 से अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में आपकी 200 से 400, ये आपका 100 से 200 के बीच में है, ये आपका 60 से 100 और ये आपका 46 से 60। देखिए ये आपका वर्षा का वितरण, लक्षद्वीप सागर, अंडमान और निकोबार द्वीप, ये आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई। जब वापसी होता है मानसून तब बंगाल की खाड़ी की कुछ शाखाएं इस तरफ आपकी वर्षा कर आती हैं। ठीक है, लौटते हुए मानसून के कारण। वही आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसके कारण अधिकतर वर्षा हमारे भारत में इसी के कारण होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की। ये आप वार्षिक वर्षा की बात करें तो ये आपकी वार्षिक वर्षा है, पूर्वी पश्चिमी घाट पर 400 से अधिक सेंटीमीटर।
ये आपका 200 से 400। देखिए मेघालय में यहाँ वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है मासिनराम में, यहाँ भी सबसे अधिक ऊपर 200 से 400। ये आपका 100 से 200 वाले क्षेत्र हैं, ये आपका 60 से 100 वाले हैं, ये आपका 40 से 60 और ये आपका 20 से 40 वाले क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं वर्षा का वितरण। मैप में आप लोग देख चुके हैं, पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तरी पूर्वी भाग में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान, इसके सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा यानी कि वर्षा की मात्रा काफी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम मध्यम रहती है, हिमपात हिमालयी क्षेत्र तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के बृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक वर्षा अधिक पाई जाती है, अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। मानसून एकता का परिचारक, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवने से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तर भारत में निरंतर ऊर्जा तापमान बना रहता है, ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी कारण प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है ना ही अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के परिवर्तन अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दशाएं ऋतु चक्र को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितता तथा उनका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसून लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवने हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियां जो इन जलों को का संवहन करती हैं उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। तो ये था आपका चौथा अध्याय जलवायु। इसी से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए, इन्हें भी आप लोग देख लेना, ठीक है। और आपकी जो पीडीएफ थी वो टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर टाइम मिलता है तो उससे पढ़ लें एक बार, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सभी बुक्स जो जरूरी हैं आपके लिए उन्हें या तो प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए या फिर ऐसी जगह सेव कर लीजिए कि आपके पास हमेशा बनी रहे, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके पास एक मटेरियल पड़ा रहता है। तो चलिए, ये था आपका चौथा चैप्टर। पांचवें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की समकालीन भारत के नाम से जो आपकी बुक्स है, तो इसके हम लोग अभी तक चार चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये आपका पांचवा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर हमारा क्या है? प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणी। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं। याद रखिए, इसमें कोई भी ऐसा शब्द
नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, बस आपको बड़े धैर्य के साथ सुनना है या फिर पढ़ना है, ठीक है। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या फिर आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियां, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या फिर अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आपने अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। याद रखिए, कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक की जो भी बुक्स थी आपकी, बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई थी, और उनका हमारा पढ़ने का उद्देश्य था सिर्फ शब्दों को समझना। आपने देखा होगा कि कई शब्दों की परिभाषा बताने के लिए पूरी कहानी गढ़ दी जाती थी, लेकिन कक्षा 9वीं से जो आपकी 12वीं तक की बुक्स हैं, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए बड़े फोकस के साथ यानी कि बहुत ध्यान लगाकर इन्हें पढ़ना है आपको, ठीक है। हमारे देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4वें स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि आपको फर्न हो गया, शैवाल, कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां, ताजे तथा समुद्री पानी की मछलियां पाई जाती हैं, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषि कृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे बाहर भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। उसी तरह से है कि हमारे यहाँ के जो नागरिक उन्हें देसी नागरिक बोल दीजिए, जो विदेशी हैं उन्हें विदेशी बोल दीजिए। आगे चलते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। धरातल, भूभाग, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती है? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर पराग कृषि की जाती है। ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन प्राणियों को आश्रय मिलता है। आपने जहाँ देखा होगा या पानी की व्यवस्था है, उपजाऊ भूमि है आपकी, वहाँ खेती की जाती है, नॉर्मल सी बात है। और जहाँ नहीं की जाती खेती, ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ पहाड़, जंगल, तो आपके जो भी जानवर होते हैं तो उसी तरफ रहते हैं। मृदा, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती की ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। फिर आपकी जलवायु, इसमें आपका तापमान, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं देखिए, उष्ण ये वनस्पति खंड हो गए, ये औसत वार्षिक तापमान डिग्री से, जनवरी में औसत तापमान डिग्री से, टिप्पणी उष्ण 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ये आपका जनवरी में
18 डिग्री सेल्सियस से अधिक कोई पाला नहीं इसमें। उपोष्ण 17 से 24 सेल्सियस, जनवरी में आपका 10 से 18 सेल्सियस पाला कभी कभी। शीतोष्ण ये आपका औसत बार से या 7 सेंटीमीटर से 7 सेल्सियस से 17 सेल्सियस, जनवरी में औसत -1 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस था। कभी पाला कभी बर्फ इस समय। अल्पाइन 7 सेल्सियस से कम, यहाँ आपका -1 सेल्सियस से कम बर्फ। बात करते हैं सूर्य का विकास। किसी भी स्थान पर सूर्य के विकास का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। वर्षण, भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी कि जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। स्थानीय जलवायु मृदा प्रदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। कौन? वन। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनमें मृदा को जीवाश्म मिलता है और अन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन क्षेत्र कम हो रहा है यानी कि वन खत्म हो रहे हैं। परियोजना कार्य, अपने स्कूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्षों की पौध लगाओ, उनकी देखभाल करो और देखो वो विकसित कैसे बढ़ते हैं। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत में बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ आगम क्षेत्रों को छोड़कर जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या फिर संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई। बात करते हैं, यहां देख ली, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिकॉर्ड 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05%। अब बात करते हैं वनस्पति के प्रकार की। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है, याद रखिए, इसलिए आपको करंट पढ़ने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये रिपोर्टें बदलती रहती हैं और जब वेट कर रहे हैं तो जो नई रिपोर्ट आएगी उसमें नए आंकड़े आएंगे तो वहां आप लोग अपडेट होते रहिए। ये किताबें पढ़ने का मेन उद्देश्य हमारा सिर्फ बेसिक क्लियर करना यानी कि अपनी नींव मजबूत करना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन, मैंगो वन, ये आपके वनों के प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लक्षद्वीप हो गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भलीभांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष की 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं।
वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं, इसी कारण इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आपके अबनूस, हिबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और श्रिंकोना है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण है। एक सींग वाले गैंडे आपके असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। एक बार इसे देख लीजिए, मानचित्र में देख प्राकृतिक वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है आपकी। ये आपकी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, एक पर्वतीय वन, ये आपके मैंगो वन, ये उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। तो ये आपके क्या है, ये है आपके, देखिए ए ए ए ये आपके हैं पूरे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का क्षेत्र है, ये आपका है पर्वतीय वन और ये आपका है मैंगो वन। देखिए यहां भी आपका मैंगो वन, इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार की आपकी पक्षी जैसे आपका चमगादड़ तथा कई रहने वाले जीव भी पाए जाते हैं। पर आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है आपके। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी ये पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तथा ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवे, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रयास, सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए जाते हैं और कुछ भागों में पशु चारण भी होता है। ये आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः आपके सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी जैसे छिपकली, सांप और कछुए भी आपके यहाँ पाए जाते हैं। फिर आपके कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं जिनमें आपका गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर, यूफोरबिया तथा नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कंटीले पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि पानी कम बाहर वाष्पीकरण के द्वारा उड़ सके क्योंकि पानी की कमी यहाँ होती है। इस तरह के कंटीले वन झाड़ियाँ होती हैं। राजस्थान तरफ आपके पानी की जहाँ कमी है तो इस तरह की आपके होते हैं, ठीक है। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। फिर आपके पर्वतीय वन, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है।
वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय विदेशों से जो टुंडा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। ये आपके पर्वतीय वन है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आद्य शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्ट नट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्पूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। एवं प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत की अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रयासीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले ली थी। सिल्वर फर, जूनीपर, पाइन, बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष। जैसे जैसे हम रेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप में के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसे गोमक्खड़ जातियों द्वारा सुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लेचन घास, टुंडा वनस्पति का एक भाग। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामेघ, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, वृक्ष, आइबेक्स, कहीं कहीं आपका लाल पंडा, घने बालों वाली भेड़ और बकरियां पाई जाती हैं। ठीक है, फिर आपका मैंगो वन। यह वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आता है की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंगो बेवन एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबती रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति आपकी मिलती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्यूड़ा, बेंगार के वृक्ष भी इन भागों में आके पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इस जंगल में मिलते हैं। आपके ये आपके मैंगो वन है। अब बात करते हैं वन प्राणी। वनस्पति की भांति भारत के विभिन्न प्रकार के प्राणी संपत्ति में भी धनी है। जहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं आपकी। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यह मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं जो विश्व की लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप, स्तनधारी जानवर भी आपके पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये आपका असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर है जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः आपके जंगली गधे और ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मेरक तथा विभिन्न प्रकार प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। या बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था, याद रखिए। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात में के गिर जंगल में, बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यहाँ से कारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर
जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय वारहसिंगा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा क्यांग, तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पंडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियां, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में आपके कछुए, मगरमच्छ, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजातियों का एक ऐसा प्रतिनिधित्व निधि है जो विश्व में केवल भारत में पाए जाते हैं। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आदि क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधे के निचय से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवरों में हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधनों के रूप में मदद करते हैं। इनसे हमें मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है तथा उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन हो गया। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफी वन जीवन प्रजातियां भी संकट में और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। देश में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नागरिक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पचमढ़ी और अचान कमर, अमरकंटक की गणना विश्व के जैव मंडल निश्चय में होता है। ये याद रखिए, आपके बदलते रहते हैं, इन्हें आप लोग स्थायी मत मानक लीजिए। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं, 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयारण्य, कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति के लिए रक्षा के लिए बनाए गए। हम सभी को अपनी अति जीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। अभी जो हम लोगों ने घटना चक्र देखी हुई थी, समसमार की घटना चक्र, उसमें पूरा करंट आपका अपडेट की हुआ है। वनों से संबंधित जो रिपोर्ट है आपकी, जो शेरों की गणना हुई है, जो बाघों की गणना हुई है, जो हाथियों की गणना हुई, तो वहाँ कवर कर ली जाती है, ठीक है। तो करंट पीएस में जो समसमाई के नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट सूची, उसमें सब कुछ कवर किया गया है, आप लोग देख लें। 18 जैव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र या फिर सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नागरे, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, देहांग दीवांग, डिब्रू, साइकोवा, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम, पन्ना। भारत में कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस में बहुत संख्या में आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है। वहां लाल समुद्र, सुंदर कलंगी, बाली, फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आते हैं। खारी कीचड़ की
ढेर में बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेक दर्शनीय स्थल दर्शों में से यह भी एक है। आप अगर इलाहाबाद गए होंगे तो गंगा नदी में जब आप लोग गंगा घाट पर जाते हैं तो वहाँ भी इस तरह के जानवर आपके पाए जाते हैं। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, औषधीय पादप। प्राचीन भारत प्राचीन समय में अपने मसालों तथा तो जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो नियंत्रण प्रयोग में आते रहे। विश्व संरक्षण संघ में ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की, जिसमें में से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप। सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायता करता है। अर्जुन, ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप जुकाम जुकाम खांसी की दवा में प्रयोग किया जाता है। कचनार, फोड़ा, दमा रोगों के लिए प्रयुक्त है। इस पौधे की जड़ और कच्ची पाचन शक्ति में सहायक होती है। करीब ठीक है, यानी कि आप वैद्य भी बन जाएंगे इससे। समझ में आए? ये आपके कुछ वन प्राणी अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य नेशनल पार्क है ना, देख लीजिए। पेरियार, लाल जो रंग है ये आपका वन प्राणी अभ्यारण्य, ये आपका मुंडू मलाई बांदीपुरी आपका नेशनल पार्क है। रंगाडीत ये आपका पक्षी अभ्यारण्य है। बेदान थंगल ये आपका पक्षी अभ्यारण्य है। क्विंडी ये आपका नेशनल पार्क है। अट्टू नगरम पोचेरम कवाल संजय गांधी आपका नेशनल पार्क है। गिरा आपका नेशनल पार्क है। तदुआ कान्हा सिमलीवाल राजगीर शिवपुरी रणथंबोर केवला देवगाना कॉर्बेट राजाजी दुधवा मानस काजीरंगा दाचीग्राम। एक बार क्या करिए कि इसको आप लोग करंट में आप देख लीजिए, क्योंकि ये बदल चुके हैं। वह मध्य प्रदेश में करीब 9-10 के करीब हो गए, तो इसमें आपके नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये था आपका 5वां चैप्टर, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणी। इसी और सब्जेक्ट से ये आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिए गए इसी चैप्टर से संबंधित। ठीक है, और जो आपकी पीडीएफ थी वो टेलीग्राम पर डाल दीजिए, उसे अपने पास रख लीजिए। कभी टाइम मिलता है तो उससे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, बस निकल जाइए। अगला हमारा अध्याय होगा जनसंख्या के बारे में। इसे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि 2021 के पहले जो भी पेपर होते हैं आपके, जब तक नई जनगणना के हमारे आंकड़े नहीं आ जाते हैं, तब तक ये आंकड़े आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इनमें जो बेसिक है जनसंख्या से संबंधित जानकारी, उसमें भी हम लोग देखेंगे। ठीक, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की समकालीन भारत के बारे में। तो इसमें हम लोग अभी तक आपके 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये आपका 6वां चैप्टर है इसका और लास्ट चैप्टर है इस बुक का। ठीक है, इसमें जानेंगे हम लोग जनसंख्या के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है आप सभी के लिए। ठीक है,
चलिए इस पर बात करते हैं। धैर्य के साथ बने रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं, तभी वो आपदा बनते हैं। याद रखिए, संसाधन में आपने सुना होगा, जापान के प्रधानमंत्री ने एक बार भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि विकसित होने का सबसे ज्यादा, वहां विकसित होने का क्या कारण है? मानव संसाधनों का होना। लेकिन हमारे देश में क्या होता है कि अगर एक खेती में यहाँ पांच लोग हैं, एक परिवार तो पांचों लगे हुए हैं, जो एक आदमी काम कर सकता है उसे पांच छह आदमी मिलकर काम कर रहे हैं। समझ में आए? और आपने देखा होगा आज से कुछ साल पहले कोयला का कोई उपयोग करता था नहीं, जब मानव आया उसी ने जिस तरह से उपयोग किया तभी वो आपका संसाधन बन गया। इसे एक तरह से मान सकते हैं। किस तरह से? जैसे आज से कुछ सालों पहले रेत का उपयोग नहीं होता था, लेकिन मानव ने खोज की, नए नए प्रयोग किए, उसके बाद आपका रेत भी आपका संसाधन बन गया। तो सबसे बड़ा संसाधन मानव ही है। अगर मानव जिसका उपयोग करने लगे वही संसाधनों की सूची में सम्मिलित हो जाता है। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तथ्य या एक संदर्भ बिंदु है जिसके दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन आपदा विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या फिर गुण पर्यावरण के सभी स्वरूप को समझने, उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपभोग करता है, इसलिए जानना आवश्यक है कि देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, उनकी कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी में प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित तीन प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। जनसंख्या का आकार और वितरण, लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यापारिक संरचना, स्वास्थ्य की आवश्यकता। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण, मार्च 2011 मार्च 2011 तक भारत की जनगणना 12,106 लाख थी, 121 करोड़ के लगभग, ठीक है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। याद रखिए भारत आपका जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन है। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4 यानी कि 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। जनगणना, ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि कई बार पूछ लिया है, कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक निश्चित समय अंतराल में
जनसंख्या की आधिकारिक गणना आपकी जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में शुरू हुई थी और लॉर्ड रिपन के काल से ये नियमित रूप से हुई है। ठीक है। भारत विश्व के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में भारत का हिस्सा 2.4 है और जनसंख्या में 17.5। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। याद रखिए 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। अभी आपकी 2011 की जनगणना में हम लोग पढ़ रहे हैं। 2021 के जब सेंसस आ जाएंगे, लास्ट जो अंतिम जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद आप लोगों के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जब तक आंकड़े नहीं आते हैं तब तक आपके लिए 2011 की जनगणना महत्वपूर्ण रहेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है। सबसे जनसंख्या किसकी है, कौन से राज्य की? उत्तर प्रदेश की। यहाँ की कुल आबादी 1990 यानी कि 1,990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। जो आपकी कुल जनसंख्या है उसमें से 16% हिस्सा आपका अकेला उत्तर प्रदेश का है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र की राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये कौन कौन से राज्य हैं आपके? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है जिसकी आबादी भारत की कुल आबादी का केवल 5.5% है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपका कौन सा राज्य है? राजस्थान। दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। यानी कि प्रति किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर में जो लोग रहते हैं उन्हें जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1,102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। याद रखिए तो सबसे ज्यादा कहां है? बिहार में जनसंख्या घनत्व और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। यहां देख लीजिए आप लोग जनसंख्या वितरण। देखिए उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा 16%, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का 6% हिस्सा है, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उसके बाद दिल्ली 1%, जम्मू कश्मीर 1%, उत्तराखंड 1%, अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा 2%। ठीक है, याद रखिए टॉप 5 याद रखा करिए, फिर चाहे वो जनसंख्या के मामले में हो, क्षेत्रफल के में, फिर घनत्व के, क्योंकि टॉप 5 और 1 सबसे नीचे के पॉइंट याद रखिए, क्योंकि यही पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो आपको कहीं आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं तो वहां वह एग्जाम्पल देने के लिए जरूरी हो जाते हैं। एक बात और काम करना है, एक काम क्या करना है आपको, सभी राज्यों को अपना क्रम से याद रख लीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपसे गलत नहीं होगा। अगर आप लोग क्रम से आपका राज्य याद होगा, आपको पता होगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर है, लेकिन अब आपने देखा होगा 2019 से जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। 370 जो धारा थी यहाँ से हटा दी गई है, अनुच्छेद 370 विशेष राज्य का दर्जा जो मिला हुआ था जम्मू कश्मीर उसे समाप्त कर दिया गया है। अब सब वो सभी
प्रावधान यहाँ लागू होंगे जो अन्य राज्यों में आपके लागू होते थे। ठीक है, उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है आपका, ये आपका पंजाब है, यही हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये आपका सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दमन व द्वीप, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये आपका लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बंगाल ही देख, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। ठीक है, याद रखना, इन राज्यों को आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना हुआ था, आंध्र प्रदेश को अलग करके। ठीक, लेकिन अब 28 राज्य बचे हुए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बता दें। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्था इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है और असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी कटे छटे एवं पथरीले भूभाग मध्यम से कम वर्षा वाले हैं। छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। आप भी जानते हैं इस बात को कि आप लोग आपने देखा होगा, जहाँ उपजाऊ जमीन ही होगी वहाँ 2-4 घर बने होंगे आपके गांव में, और जहाँ उपजाऊ जमीन होगी, पानी की व्यवस्था होगी, नदी हो गई, तालाब हो गए, उसके आसपास जनसंख्या बसना यानी कि लोग बसना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें खाने की व्यवस्था हो जाती है और पानी की व्यवस्था हो जाती है, तो हर कोई अपनी व्यवस्था से बसना पसंद करता है। और यही कारण है आपके कि पूर्वी भागों में आपके कम घनत्व कम क्षेत्रफल में मतलब व्यक्ति रहते हैं, यानी कि जनसंख्या घनत्व यहाँ कम है पाया जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का 17 है आपने देखा ही, उत्तर प्रदेश में उपजाऊ भूमि है तो वहाँ आपका सबसे ज्यादा है, सॉरी सबसे ज्यादा नहीं, जनसंख्या वहां ज्यादा है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा आपका जनसंख्या घनत्व है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान का अधिक जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम बता सकते हैं आप लोग, जैसे आपका बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश भी हो गया। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या यानी कि जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या यानी कि जैसे आपकी 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, इसे आपकी निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि है, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है। यहाँ आप लोग देख लीजिए, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1991 से 2011 के दौरान 51 में सॉरी 51 51 देखिए इस तरह से आपका ग्राफ बना हुआ है, यानी कि 1991
इक्यावन से इकसठ में 21.64, उसके बाद 1971 में 1961 और 71 के बीच में बढ़ी, फिर आपकी कमी 1971 से 81 के बीच में आपकी वृद्धि दर 24.66 रही, 1991 से 81 से 91 में आपकी 23.87, उसके बाद 1991 से 2001 के बीच 21.54% वृद्धि दर रही, उसके बाद 2001 से 2011 के बीच 70.64% रही। अगर हम लोग भारत की कुल जनसंख्या का 1991 से 2011 जनसंख्या 10 लाख में तो देख लीजिए इस तरह से आपकी बढ़ती है। अभी हम लोग यहां खड़े हुए हैं, यहां से शुरू हुए 1901 में, इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये पहुंच गए हैं 1210.19 लाख। भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिमाण एवं दर, कुल जनसंख्या 10 लाख में एक दशक में सापेक्ष वृद्धि, वार्षिक दर प्रतिशत में, मतलब वार्षिक दर प्रति वर्ष, ठीक। 2011 की हम लोग देख लेते हैं सीधी बात, 1210.6 ये आपकी 10 लाख में कुल जनसंख्या है अभी करंट की, एक दशक में सापेक्ष वृद्धि आपकी 181.4 लाख और वार्षिक वृद्धि रही 1.64%। सारणी 6.1 चित्र 6.4 आ दर्शाते हैं कि 1981 से 51 से 81 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करते हैं जो 1951 में 3610 लाख से 1981 में 6830 लाख हो गई थी, किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई, फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 यानी कि 1820 लाख की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है, जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश में बन सकता है। अभी यह रिपोर्ट आई हुई है, अभी इसमें बताया गया है कि आपका 2035 तक भारत चीन को पछाड़ देगा जनसंख्या के मामले, यानी कि हम लोग नंबर वन पर पहुंच जाएंगे। बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की तीन मुख्य प्रक्रिया है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं, याद रखिए इस पॉइंट को। एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर का मुख्य कारण रहा है। अगर जन्म दर भी उच्च होती, मृत्यु दर भी उच्च होती तो जनसंख्या ज्यादा ना बढ़ती, लेकिन क्या हुआ कि जन्म दर उच्च रही और मृत्यु दर में गिरावट आई। जब कम लोग मरेंगे और ज्यादा जन्म लेंगे तो स्वाभाविक है कि जनसंख्या बढ़ेगी। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया, इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट आने लगी,
जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में एक गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण था? आपने देखा होगा कि पहले लोग 4-5-5, 6-6-7-7 कभी 10-10 तक बच्चे रखना पसंद करते थे, लेकिन अब के समय में बहुत से बहुत 1-2 बच्चे रखते हैं। ठीक है, यही कारण है कि लोगों की मानसिकता बदल रही है, जागरूक हो रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने का प्रवास कहते हैं। प्रवासी आंतरिक देश के भीतर और अंतरराष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभाव होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं होती हैं, तथा नगर अभिकर्षण यानी कि पूर्व प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाती है। आपने देखा होगा कि लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर जाना पसंद करते हैं, इसी एक तरह का ये प्रवास है। क्या रहता है आप भी जानते हैं कि जहाँ बच्चों के लिए शिक्षा होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, रोजगार की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य यानी पानी खाने की व्यवस्था होगी, लोग उसी जगह जाना पसंद करेंगे। अगर ये सुविधा गांव में भी उपलब्ध करा दी जाए तो लोग गांव की तरफ से शहरों की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, प्रवासी जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, तो जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। एक दशक यानी कि 2001 से 2011 के बीच 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। बात करते हैं आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को निर्धारित करता है। किसी भी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। बच्चे सामान्यतः 15 वर्ष से कम आयु, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते तथा उनको भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, यानी कि ये दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, वयस्क 15 से 59 वर्ष, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। याद रखिए, अभी हमारी जनसंख्या जो वयस्क जनसंख्या सबसे अधिक है। अगर भारत इस जनसंख्या का फायदा ले लेता है, यानी कि एक प्रॉफिट ले लेता है, तो भारत बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी उपाय नहीं किया गया है जो फायदे का दिख रहा है। ठीक, बाप ही सोचिए कि 10 युवा है, अगर उन्हें 10 युवा को काम कराया जाए, कुछ उत्पादन कराया जाए उनसे, तो फायदा है, वरना युवा वयस्क जनसंख्या का क्या मतलब है? अगर कुछ काम ही नहीं है, उनसे नहीं निकल पा रहे हैं, तो खत्म है। वृद्ध, इसके बाद 59 वर्ष से अधिक, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या फिर अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वेच्छा रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। तो ये देखिए, वयस्क यानी कि युवा, आपके यहाँ अभी करंट में 2011 की जनगणना के अनुसार 58.7% जनसंख्या है जो आपके उत्पादन में भागीदारी हो सकती है, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भागीदारी कर सकती है। वृद्ध 6.9, बच्चे 34.4, ये आपकी दूसरों पर निर्भर जनसंख्या रहती है, तो इनसे काम नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, एक बात और हमेशा याद रखिए,
इसका तभी फायदा होगा, चीन ने इसका फायदा लिया जब उसके यहाँ इस तरह की जनसंख्या हुई काफी, तो उसने फायदा लिया। लेकिन भारत अभी तक इस मामले में कुछ ज्यादा ही जागरूक नहीं है। अब देखते हो आप लोग किस तरह से हुआ इसका। मुझे तो लगता है आधी जनसंख्या तो इसी में नफरत फैलाने में काम में लगी हुई है, ये लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, यहाँ नफरत की भावनाएं फैला रहे हैं वहां फैला रहे हैं। चलिए जो है अपना काम है, आप अपना काम करिए। बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है, जिसे आपकी आश्रित जनसंख्या कहते हैं, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते हैं। भारत की जनसंख्या में तीन समूहों के अनुपात को चित्र 6.5 में दर्शाया गया है। किसमें? 6.5। अब बात करते हैं लिंग अनुपात। प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है, यानी कि प्रति 1,000 जो आपके आदमी हैं उनमें कितनी महिलाएं हैं, इसे यही आपका लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, महिलाओं की संख्या को गिनकर वही लिंग अनुपात होता है। यह जानकारी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है इसका पता लगाइए। सन 1991 से 2011 के बीच लिंग के अनुपात में को सारणी 2.6.2 में दर्शाया गया, इसे देख लीजिए। 1951 में आपका 946 महिलाएं थी 1,000 पुरुषों पर, और 2011 की बात करें तो 943 बनी। इसकी भी मानसिकता की और जागरूकता की कमी कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि आजकल देखते हैं आप लोग लड़कों को ज्यादा वरीयता दी जाती, और उन्हें मतलब आपने देखा होगा कि हर आदमी चाहता है कि मतलब हमारा घर में बेटा पैदा हो। लड़की को एक हीन भावना की नजर से देखा जाता है कि मतलब उसे पैदा करने में भी लोग डरते हैं, लेकिन बहू माँ बहन सबको चाहिए लेकिन पैदा करने में। चलिए ठीक है, जो भी चलते हैं। केरल में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 284, पुडुचेरी के प्रति 1,000 पर 1,038 महिलाएं, जबकि दिल्ली में प्रति 1,000 पर 866 तथा हरियाणा में प्रति 1,000 पर केवल 677 महिलाएं। यानी कि केरल में आपकी पुरुषों से अधिक है महिलाएं, याद रखिए। पुदुचेरी में भी ऐसा ही है पुदुचेरी में, लेकिन दिल्ली में आपका 1,000 पुरुषों पर 866 महिलाएं, और हरियाणा में आपकी 1,000 पर केवल 877 महिलाएं। अब बात करते हैं साक्षरता दर। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टता केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रख सकते हैं। यहाँ आपको समझ में आया? 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भाषा को समझ लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। तो आप लोग अपने लोगों को पढ़ा लिखा मत बोलिए, क्योंकि पता है मतलब उन लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है जो लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं। वो आजकल ये तो लिख पढ़ तो सकते हैं वो जो गांव के बिल्कुल जिनके लिए काला भैंस कालाक्षर भैंस बराबर, वो भी आजकल लिख पढ़ सक रहे हैं। ठीक है, तो कोई खुशी होने की बात नहीं है। आपने देखा होगा लोग पीएचडी करके भी ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं, तो ये क्या पढ़ाई है। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9%, महिलाओं की साक्षरता
64.6% है। साक्षरता दर में इस प्रकार का अंतर क्यों है? वही सामाजिक भेदभाव। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, हकीकत कभी अपने आंसर आइटम में लिखना भी मत और इंटरव्यू में भी कभी मत बताना, क्योंकि आप हकीकत देख रहे हैं, हकीकत कुछ और होती है, लेकिन हमें बैलेंस बनाकर लिखना पड़ता है। अगर हम लोग नकारात्मक नकारात्मक यानी कि नेगेटिविटी रख देंगे तो हमारे नंबर नहीं मिलेंगे उस तरह। ठीक है, व्यवसायिक संरचना। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। अब जब आप पता है, कुछ तो हमारी सरकारों में कमी रहती है। अभी आपने देखा है कि कोरोना की वजह से अभी मजदूरों की जो 10-8 घंटे ड्यूटी हुआ करती थी, काम करना पड़ता था, उसे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया जा रहा है सरकारों के द्वारा, और राज्य सरकारों ने ऐसा प्रस्ताव लाया। अब आप सोचिए, 12 घंटे एक इंसान को रख सकते हैं, पर हमारे यहाँ कितना वयस्क जो काम करने लायक हैं वो आपके 58% के करीब। इनकी जगह आप लोग इस तरह कर सकते थे कि इन्हें घटाकर एक आदमी के लिए 6 घंटे काम करने की अनिवार्यता रख देते। 6 घंटे दूसरे व्यक्ति को रख लेते तो क्या होता कि एक की जगह दो को रोजगार मिल जाता, दो काम कर सकते थे, तो बेहतर काम कर सकते थे। अब आप ही देखिए कि आप लगातार 12 घंटे काम नहीं कर सकते, समझ सकते हैं। इसकी जगह आपसे अगर 6-6 घंटे दो लोगों को रखा जाए तो बेहतर काम हो सकेगा, उसका फल भी मिलेगा, यानी कि लाभ भी हमें दिखेगा। लेकिन एक ही आदमी को, चलिए उनका भी अपना काम है। प्राथमिक, इनमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएं शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में आपकी क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाली उद्योग, भवन निर्माण कर आते। तृतीयक क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन, सेवाएं आती। आप इसे इस तरह से ले सकते हैं। किस तरह से ले सकते हैं? गेहूं को ले लीजिए, गेहूं आपका प्राथमिक क्षेत्र। जब आपका वो उत्पादन में जाएगा यानी कि बिस्कुट बनेगा, तब आपका द्वितीयक क्षेत्र बन जाएगा। जब आपका पहुंचा जाएगा आपके पास तक, सेवाएं दी जाएंगी, मतलब आप तक पहुंचाना सेवा ही तो है, परिवहन के द्वारा किसी तरह से, तो वह आपका तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कारगर लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्यकर्ता है। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 और तथा 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए उद्योगीकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में व्यवसाय परिवर्तन हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कि विकास को प्रक्रिया को प्रभावित करता है। विकास की जो प्रक्रिया है उसे प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1951 में 25% थी, वही 2011 में घटकर 25% पर आपकी 7.2 रहेगी। औसत आयु जो 1951 में आपकी 36.7 वर्ष थी, वही बढ़कर आपकी 2012 में यानी कि 11 में 67.9 वर्ष हो गई। यानी कि जब 1951 में आपका औसत व्यक्ति यानी कि हर व्यक्ति की औसत आयु मिलाई दी जाती थी तो वो हर व्यक्ति 36.7 वर्ष जीता था, लेकिन 2011 में 67.9 वर्ष हो गई। ठीक, या औसत का मतलब ये होता है कॉमन संख्या ले ली जाती है। ठीक है, पर आप लोग सोचने लगे कि सब लोग 1951 में 36 साल जीते थे, सर ऐसा नहीं है। उस सब जनसंख्या को कोई जल्दी मर जाता था, कोई 10 साल में, कोई 15 साल में, कोई 25 साल में, तो सबका कॉमन निकाल कर एक बता दी जाती है जनसंख्या। ठीक है, बहुत
महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारक हैं, जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। ऐसा महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफी कम है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल एक तिहाई लोगों को उपलब्ध है। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। बात करते हैं किशोर जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का पांचवा भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्क से अधिक होता है। याद रखिए, मानव संसाधन तभी बन सकते हैं जब हम इन पर कुछ खर्च करेंगे, यानी कि इन्हें पढ़ाई लिखाई इस तरह से कौशल संपन्न बनाएंगे कि ये आगे काम आ सके हमारे, वरना अगर तुम इन पर खर्च नहीं करोगे, इन्हें कुछ अच्छा नहीं बनाओगे, तो ये कुछ काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, समझ में आया। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता यानी कि एनीमिया से पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं का और पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कारगर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2001-2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हमारे देश में दो सुविधाएं मिल जाए तो कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई बेचारा भी नहीं रहेगा। एक स्वास्थ्य की, दूसरी शिक्षा। क्योंकि आपने देखा होगा गरीब के पास पैसा नहीं है, अगर उसे बीमारी होती है तो उसके सामने ऑप्शन रहता है मौत। किसी अमीर के पास पैसे में जो सक्सेस है, उसके पास अगर बीमारी होती है तो भी वो VIP विदेशों में भी इलाज करवा लेते हैं। अगर ये दोनों सुविधाएं आपने देखा होगा, गरीब के बच्चे वही फटीचर स्कूलों में पढ़ते हैं, कहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है। टीचर आएगा, पैर पसार कर सो जाएगा, दूसरी कुर्सी लगाकर। ठीक, तो इन्हें अगर हम लोग VIP स्कूलों में पढ़ाएं, अगर अच्छे से स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था कर दें, तो ये भी तो आगे बढ़ सकते हैं। इनमें कोई कौशल की कमी नहीं है, यानी कि इनमें बहुत कुछ अच्छे गुण है। दिल्ली का काम मुझे अच्छा लगा, दिल्ली सरकार का, कि वहां कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा दो पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा, और यही हमारे मूलभूत आधार है। ठीक है, आप दुनिया को बुरा लगा हो मुझे पता नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का काम बहुत बढ़िया है, क्योंकि हर आदमी को शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करवा देते हैं आप लोग, तो इससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। समझ में आया। मैं तो कहता हूं देश, पूरे देश में ऐसा हो जाना चाहिए कि स्वास्थ्य और शिक्षा को तो कम से कम बेहतर बना देना चाहिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की है
जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पोषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की सुरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पोषित पोषणिक सेवाएं उपलब्ध कराना और बाल विवाह को रोकने के कानूनी कानूनों को सुदृढ़ करना। किसी भी राष्ट्र के लिए वहां के लोग बहुमूल्य संसाधन होते, एक शिथिल एवं स्वास्थ्य जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। यानी कि आप स्वस्थ हैं तभी तो आप काम कर सकेंगे, ठीक है। तो इस अध्याय से संबंधित आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख लेना, और आपकी जो पीडीएफ थी उसे टेलीग्राम पर डाल दिया गया था, तो वहां से एक बार आप लोग उसे रख लें और अब देखिए। लेकिन कक्षा 9वीं से 12वीं तक की जो बुक्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने कक्षा 6वीं से 8वीं तक की नहीं पढ़ते हैं तो एक समय काम चल जाएगा, लेकिन टाइम है अगर आपके पास तो उन्हें भी पढ़ लें, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं आपकी, ठीक है। तो अगर उन्हें पढ़ लेते हैं तो बेहतर रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं आपके इसी से संबंधित, तो इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आओ दाव, ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों से होता है। अवसादी शैलें, अवसादों से बनी हुई शैलें जिनमें परतदार संरचना होती है अवसादी शैलें होती है। अग्नेय शैलें, वे शैलें जो मैग्मा या लावा की पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती हैं, अग्नेय शैलें होती है। आधार जनसंख्या, दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या आधार जनसंख्या होती है। आश्रय धनपात, आश्रय धनपात 15 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक आर्थिक रूप से सक्रिय आयु 15 वर्ष से 59 वर्ष के लोगों के बीच का अनुपात होता है। आश्रित वर्ग में उन लोगों को रखा जाता है जो काम करने के काबिल नहीं होते, यानी कि काम करने की उनकी क्षमता नहीं होती। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे ही होते हैं तो वो भी माँ बाप पर डिपेंड रहते हैं, और 60 वर्ष के बाद लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो भी डिपेंड हो जाते हैं अपने बच्चों पर, ठीक है। आंतरिक अपवाह, एक ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता वरन आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है। उच्चावच, धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप से रेखा में पाए जाने वाली ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। उपमहाद्वीप, एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टता अलग होता है। किशोरावस्था, किशोरावस्था वह आयु है जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में होता है आपका। जनसंख्या घनत्व, प्रति इकाई क्षेत्र में जैसे एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है। वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या की आधार वर्ष की जनसंख्या से तुलना की जाती है, इसे वार्षिक या दशकीय गति से ज्ञात किया जाता है। जन्म दर, प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की जनसंख्या आपकी जन्म दर होती है। जलोढ़ मैदान, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या शिला कणों वाली कांप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना समतल भूभाग आपका जलोढ़ मैदान होता है। जीवन प्रत्याशा, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु आपका जीवन प्रत्याशा कहलाती है। जीवों, एक सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह। झील, एक जलराशि जो पृथ्वी की सतह के गर्त या गड्ढे में हो और चारों ओर से पूर्णता स्थल से घिरी हो, झील कहलाती है। नवीन और युवा पर्वत, पृथ्वी के भूपटल के नवीन दौर में बने मोड़दार या बलित पर्वत जैसे आपका हिमालय, आल्पस, एंडीज तथा रॉकी पर्वत या आपके नवीन पर्वत। निमज्जन, जलवायु विज्ञान में यह हवा के नीचे जाने वाली गति है। भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया से है। नेशनल पार्क, एक आरक्षित क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति
वन्य जीव जंतुओं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है। पठार, विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भूभाग जिसके ऊपर भाग ऊपरी ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल हो, किनारे तेज ढाल वाले हों, यह आपका पठार होता है। पर्यावरण, वह परिवेश तथा परिस्थितियां जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती है। इसके अंतर्गत भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। फरियाब का पर्वत, पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफी ऊंचा होता है और साधारणतः तीव्र ढालों का होता है। पशु पक्षी, दिए गए हुए क्षेत्र की जैव संपदा। प्रवासन, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवासन कहलाता है। आंतरिक प्रवासन का अर्थ है कि लोगों का एक ही देश में आना जाना तथा बाह्य प्रवासन का अर्थ होता है लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना। जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो इसे आप्रवास कहते हैं। जब वे उस देश को छोड़ते हैं तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छी छठवीं से कक्षा आठवीं तक की बुक्स आप लोग एक बार पढ़ जरूर लीजिए, क्योंकि उसमें इन सभी शब्दों की बहुत ही साधारण कहानी के रूप में परिभाषा बताई गई। पर्यावरण क्या होता है, पर्वत क्या होता है, तो टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं उसे, ठीक। पारिस्थितिकी तंत्र, एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना होता है। भ्रंश, आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टाने खिसक जाती हैं। भारतीय भूभाग, भारत का वह भाग जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, यह आपका भारतीय भूभाग है। भारतीय मानक समय, भारत की मानक मध्यान रेखा 82° 30' पूर्व देशांतर का स्थानीय समय सारी भारत का प्रमाणिक समय माना जाता है। भूगर्भीय, पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियां जो धरातल की भू आपत्तियों में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। भूगर्भीय प्लेट, पर्पटीय प्लेटों की गति की वैज्ञानिक संकल्पना। भूसंदति, भूपर्पटी में बेहद गर्त अथवा दौड़ी या फिर सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई जिसका तल दोनों किनारों की भूसंहतियों से अपरदित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है, फलस्वरूप अवसादी शैलों की मोटी परतों का निर्माण होता है। मृत्यु दर, यदि 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मानसून, एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना जिससे ऋतु या फिर मौसम में अंतर उत्पन्न हो जाता है, मानसून कहलाता है। मिलियन प्लस सिटी, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को आप लोग मिलियन प्लस सिटी कहते हैं। मैदान, समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र होता है। रूपांतरित या कायांतरित शैल, पूर्व निर्मित अग्नेय तथा अवसादी शैलों पर अधिक दाब या दबाव या फिर ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी नई शैल। लिंगनपात, भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगनपात कहते हैं। लैगून, खारे पानी की झील जो समुद्र से बालू अवरोधों तथा समुद्री सेवाओं के कारण बनती। वनस्पति, किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़ पौधों का आवरण आपका वनस्पति है। वलय, पृथ्वी की पीढ़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की शैल परतों में पड़ने वाले मोड़ या वलय। स्थलमंडलीय प्लेटें, दुर्वताल मंडल के ऊपर तैरने वाले वाले महाद्वीपीय भूपृष्ठ तथा महासागरीय आदि स्थल के बड़े बड़े भाग। स्थानीय समय, किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है। हिमानी, बर्फ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे गतिशील होता है। पता है आपको, अगर आप लोग कक्षा छठवीं से आठवीं तक पढ़ते हैं तो बेहतर आप लोग आंसर दे पाएंगे और बेहतर आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ लें तो अच्छा है। तो इस बुक में आप लोगों ने समकालीन भारत फर्स्ट कक्षा 9वीं की है आपकी बुक, तो इसमें आप लोगों ने 6 चैप्टर आपके देखे हैं। कौन कौन से? भारत का आकार और स्थिति देखी थी पहला चैप्टर, दूसरे में हम लोगों ने बात की थी भारत का भौतिक स्वरूप, तीसरे चैप्टर में हम लोगों ने देखा था अपवाह तंत्र, चौथे चैप्टर में जलवायु, पांचवें चैप्टर में प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, और कक्षा सॉरी
छठवें चैप्टर में जनसंख्या के बारे में जाना था। ठीक है, इस प्रकार हमारी अभी तक कक्षा छठवीं, सातवीं, आठवीं और आठवीं की बुक्स पूरी कंप्लीट हो गई तीन क्लास की, और कक्षा नौवीं की आपकी लोकतंत्र की राजनीति हम लोग देख चुके हैं और समकालीन भारत भी देख चुके हैं। आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, कक्षा नौवीं की अर्थशास्त्र की, याद रखिए आपके जो भी कक्षा छठवीं से लेकर बारहवीं तक के चैप्टर बाई चैप्टर आपकी सभी क्लासें कंप्लीट एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे।